फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल गाइस। तो आज वापस एक बार आपके लिए लेके आ रहा हूँ नियर बाय मुंबई, नियर बाय ठाणे, एक बेहतरीन लोकेशन जहाँ पे आप आपका वेकेशन एंजॉय कर सकते हैं आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। सो गाइस, बहुत दिनों बाद एक ऐसी लोकेशन एक्सप्लोर कर रहे हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगेगा और ये प्लेस बहुत पसंद आएगा। तो गाइस, देखिए क्या क्या एमिनिटीज आपको यहाँ पे मिलने वाली है और आप अपना वेकेशन यहाँ पे कैसे एंजॉय कर सकते हैं। तो लोकेशन है टिटवाला, नियर बाय गोविली मस्कल एरिया के नजदीक, स्टेशन से बहुत ही नजदीक लोकेशन है और वेकेशन के लिए बहुत ही साइलेंट और बहुत ही स्पेसफुल प्लेस है। तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हैं आपके फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और क्या क्या एग्जैक्ट पैकेज यहाँ पे रहने वाला है और कैसे रहेगा पूरा वीकेंड, आप यहाँ पे कैसे एंजॉय कर सकते हैं पूरा देखने वाले, पूरा ब्लॉग देखिए गाइस। और पॉसिबल है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो लेट्स गो गाइस। सो फ्रेंड्स, अभी देख लेते हैं यहाँ का जो अकोमोडेशन है वो किस प्रकार रहने वाला है। तो ये है मेरे रूम की और अभी हम जा रहे हैं रूम में और चेक करते हैं जो अकोमोडेशन रहने वाला है वो किस टाइप का है और क्या क्या एमिनिटीज है रूम के इनसाइड। सो लेट्स गो फ्रेंड्स। बराबर अपने स्टे के सामने ही रहने वाला है ये फुल व्यू रूम है टोटल। सो एसी अकोमोडेशन है टोटली और आयू 6 देन रूम नंबर 7। सो 7 नंबर का रूम है अपना, चेक करते हैं कैसे रहने वाला अकोमोडेशन। और सो गाइस, कुछ इस प्रकार है यहाँ पे अकोमोडेशन फैसिलिटी, जो कि एक एसी रूम है और बराबर रूम के सामने आपको पूल व्यू मिलता है और जहाँ पे आप आपकी इवनिंग बेहतरीन तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। इस प्लेस में बैठ के आप आपकी शाम बहुत ही मस्त और आपके फैमिली फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं और उसकी पूरी अरेंजमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जैसे कि आपको ये दिख रहा है मेरे पीछे, यहाँ पे प्रॉपर पूल व्यू आपको मिलता है और बराबर पूल के सामने आप यहाँ पे स्टे करते हैं। तो आई होप आपको ये बहुत सारी मैंने जो स्पॉट दिखाए यहाँ के वो अच्छे लगे होंगे। कुछ भी डाउट रहेगा या फिर कुछ भी आपको क्वेरी रहेगी तो आप कमेंट में टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं, हम डेफिनेटली उसमें आपको आंसर करेंगे। सो गाइज, अभी चलते हैं गार्डनिंग की तरफ जहाँ पे एक बेहतरीन गार्डन लोकेशन किया हुआ है जहाँ पे आपके छोटे बच्चे रहेंगे, उनको खेलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। बड़े लोगों के लिए भी खेलने के लिए गेम जोन है, सेपरेट पूरा एक गेम जोन है। हमने आपने इंट्रो में भी देखा रहेगा, जो प्रीव्यू दिखाया था मैंने स्टार्टिंग में उसमें भी आपने देखा रहेगा, वहाँ पे एक गेम जोन किया हुआ है उन्होंने और वहाँ पे बहुत सारे गेम्स है लाइक कैरम एंड सांप सीढ़ी एंड लाइक गन शूटिंग वगैरह, वो सब गेम्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो वो भी देख लेते हैं कैसे है, क्या क्या एमिनिटीज यहाँ पे आपके लिए अरेंज की गई है और उसके बाद चलते हैं अपने मेन पॉइंट पे, जो कि यहाँ के जो फाउंडर है उनका एक इंटरव्यू ले लेंगे। तो बहुत सारी चीजें उसमें भी आपको क्लियर हो जाएंगी कि आपको एग्जैक्ट इधर के पैकेज में क्या क्या मिलता है और कैसे रहता है ये पैकेज। सो गाइज, लेट्स गो।
सो गाइज अभी आ गए हम गार्डन एरिया में, जहाँ की आपको थोड़ा खेलने के लिए वगैरह बच्चों के लिए जगह बनाई हुई है। मेरे पीछे आपको दिखेगा यहाँ पे कुछ स्लाइड्स है, और बराबर अपने सामने की तरफ यहाँ पे एक गेम जोन किया हुआ है जहाँ पे बहुत सारे गेम्स रखे हुए हैं। तो ये पूरा आउटसाइड एरिया पूरा देख लेते हैं, और बहुत ही नेचुरल तरीके से इन सभी चीजों को मेंटेन किया गया है। तो यहाँ पे जैसे एंटर होते हैं आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बहुत ही यूनिक चीज है, बहुत बड़े बड़े फिश है इनसाइड, और ये एक बहुत बिग साइज फिश टैंक यहाँ पे अरेंज किया गया हुआ है। आपको यहाँ पे दिख रहा है, बहुत ही नेचुरल फील आप यहाँ पे ले सकते हैं, और बहुत ही बड़े बड़े फिश है इसमें, जैसे कि आपको अंदर दिख रहा होगा यहाँ पे व्हाइट कलर का एक बहुत बड़ा फिश है इसमें। तो बहुत एंजॉयबल लोकेशन है, बहुत अच्छे तरीके से आप यहाँ पे बहुत सारी यूनिक चीजें देख सकते हैं। तो अभी देखते हैं यहाँ पे जो गेम जोन है वो किस प्रकार डिजाइन किया गया और क्या क्या एमिनिटीज यहाँ पे आपको खेलने के लिए मिलती है। तो गाइस यहाँ पे मेरे पीछे की साइड आपको दिख रहा होगा, ये है कैफेटेरिया जहाँ पे आपका लंच डिनर ब्रेकफास्ट करने के लिए ये जगह बनाई गई हुई है। यहाँ पे आप आराम से बैठ के आपका जो मील्स रहेगा या जो फूड्स रहेगा वो एंजॉय कर सकते हैं। वाटर पार्क जैसे यहाँ पे भी फूड वगैरह करके रखे हुए हैं, इस साइड आपको दिखेगा रेनार्ड और मिरर राइड आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं।
दोस्तों अभी हमने पूरा रिसोर्ट देख लिया है, बहुत सारी यहाँ की चीजें एमिनिटीज आपको दिखाने की पूरी कोशिश मैंने की है। तो अभी हमारे साथ है विप्लव गावट सर जो कि इस रिसोर्ट के फाउंडर है, तो उनसे जान लेते हैं यहाँ की बहुत सारी चीजें जो मेरी तरफ से पता नहीं कि आपको बाकी रह गए होंगे। तो हेलो साहब सर, तो एक्चुअल में अभी यहाँ का जो चेक इन चेकआउट प्रोसेस रहता है वो किस प्रकार का रहता है? चेक इन अपना कैसा रहता है? डे पिकनिक का मॉर्निंग 9 टू इवनिंग 6 रहता है। ओके, और नाइट स्टे का 20 पर आवर सर। कभी भी आइए, ऐसा कुछ रूल नहीं है कि यही चेक टाइम पे आना चाहिए। मतलब सपोज समझ लो कोई सैटरडे को ड्यूटी कंप्लीट करके अभी शाम को यहां पे निकल गया, कभी भी सपोज आप इवनिंग 6 बजे आए तो नेक्स्ट डे सेम टाइम, मतलब 24 आवर्स का चेक आउट आप मार सकते हैं। और सर जैसे यहाँ पे आना है तो यहाँ पे आने के लिए क्या सोर्स है लोकल लेवल पे? बाय रोड एकदम एक्सेसिबल है, ऐसा भी नहीं कि बहुत अंदर वगैरह है, ऑलमोस्ट अपना गोहिली रोड पर है। और ट्रेन ऑटो वगैरह भी इसीलिए अवेलेबल हो जाते हैं, तो टिटवाला या फिर कल्याण आना है। डिस्टेंस इज 5 किलोमीटर। और यहाँ पे फूड फैसिलिटी किस प्रकार? फूड अपना एक लोकल फूड रहता है, अगले टाइप का फूड रहता है, आखिरी राइस वगैरह और चिकन वगैरह एकदम प्रॉपर आखिरी टाइप का रहता है। तो और दूसरा ये कि सिर्फ फूड पैकेज ही अलाउड है या फिर फूड भी अलाउड है? फूड भी ले लेते हैं हम। ओके, तो दोनों ऑप्शन गाइस आपके हाथ में रहते हैं। अगर आपको विदाउट फूड का भी पैकेज लेना है और यहाँ पे आके एंजॉय करना है तो भी आप कर सकते हैं। और डे ट्रिप के लिए कुछ लाइक किसी का कुछ बर्थडे पार्टी रहती है और या फिर जो नियर बाय टिटवाला रहते हैं जो शाम को रिटर्न घर जा सकते हैं, तो ऐसे गेस्ट के लिए कुछ अपने यहाँ पे प्लान्स है? अपने पास बर्थडे एनिवर्सरी वेडिंग सेरेमनी इवन अपने पास मैरिज भी होते हैं। जो आपका पर पर्सन का पैकेज है अकोमोडेशन भी तो कपल्स के लिए कैसे प्लान है? कपल्स का फिलहाल नाइट स्टे तो नहीं लेते, डे पैकेज में लेते हैं कपल का। कपल का वेडिंग का साइड देन सर इन फ्यूचर में, क्योंकि मैंने अभी हमने भी पूरे ब्लॉग में आपको दिख रहा होगा कहीं कहीं पे कई तरफ कुछ मॉडिफिकेशन के कुछ अदर डेवलपमेंट के काम शुरू है, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस के स्टेज पे है, तो हमें फ्यूचर में और क्या क्या नया यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा? फ्यूचर में और रूम्स भी एक्सपेंड करने वाले और कुछ गेम्स भी लाने वाले, जिप लाइन वगैरह। और बहुत सारे गेम है जैसे वो गन शूटिंग का जो एक एक्टिविटी है, सॉरी एयर राइफल, हाँ वो भी बहुत ही मस्त अरेंजमेंट किया हुआ है उसके लिए और स्पेसिफिक जगह है हर एक गेम के लिए। सर जैसे कि ये जो बीच वाला लोकेशन है इसके नियर में बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया है या फिर मुंबई के भी बहुत सारे ऑफिस के इवेंट के लिए क्वेरीज रहती है, इंक्वायरी रहती है गेस्ट को, तो आपके यहाँ पे ऐसे कॉर्पोरेट इवेंट वगैरह आप रहते और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमने इस ब्लॉग के थ्रू आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और विजिट करना और एंजॉय करना आपका वेकेशन। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।